डियर स्टूडेंट, मैं बिरबल प्रसाद आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ साइंस और कॉमर्स के लिए बिहार बोर्ड का 100 नंबर वाला इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ है उस पेपर का आंसर की, और साथ में कुछ एक्सप्लेन भी करूँगा। मतलब आपको जब मैं आंसर बताऊँगा तो वो जो आंसर होगा उसको पूरा डिटेल में तो नहीं देखेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, लेकिन शॉर्ट में ज़रूर देखेंगे कि ये आंसर क्यों होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले तो आपको बता दें, आप याद रखिएगा जो मैं आपको सेट बता रहा हूँ, ये जो सेट सी है, ठीक है ना, तो अपने अपने सेट में अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा। जो मैं करवा रहा हूँ वो आपका है सेट सी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब जो सही मीनिंग है उसके बारे में, जो स्पेलिंग सही है तो किसका स्पेलिंग सही है। तो बहुत ईजी है, यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन जो है इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, ये आपका स्पेलिंग सही है। तो पहला का सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दो कहता है ए रिटन स्टेटमेंट और ओथ इज। मैं आपको पहले करवा चुका हूँ ये वाला कि ये क्या होता है, पहले जो करवाया था सेट दिया था उसमें। तो ये आपका डी होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही होगा ये आपका होगा डी नंबर ऑप्शन। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन में देखिएगा, यहाँ पे लिख रखा है यू खालिस्तान द पियानो। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, यहाँ पे आप आराम से बना लिए होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आर प्लेइंग, ठीक है, एम प्लेइंग, इज प्लेइंग, बाज प्लेइंग, ऐसा यू के साथ नहीं होता है। तो ये आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको आप बना लिए होंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चार का तय बी खालिस्तान हीम यस्टरडे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक लगा हुआ है यस्टरडे, यहाँ पे जैसे ही ये लगा तो आपको मैंने बताया था टेंस वाली वीडियो में कि ये सिंपल पास्ट में चला जाता है, इसलिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन होगा उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पे लिखा हुआ है विजिटेड। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच देखिएगा, पाँच नंबर क्वेश्चन में कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे सही सेंटेंस चुनना है, तो जो पाँचवा नंबर क्वेश्चन है उसमें सही सेंटेंस दिया गया है सी बॉन्ड्स 3x, सही है, ये आपका सही है, या ऐसा कुछ नहीं होता है, बॉन्डिंग डायरेक्ट नहीं आता है, सी के साथ बॉन्ड नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपके नहीं होंगे। यहाँ पे तो ठीक है, सी के साथ बॉन्ड्स लगाया है लेकिन लास्ट में एक में एस नहीं लगाया है, तो इसलिए ये नहीं होगा बी नंबर ऑप्शन। तो पाँचवा नंबर जो क्वेश्चन होगा ना उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सिक्स नंबर का क्वेश्चन है द टीचर खालिस्तान अबाउट द वेदर, मैंने ये भी करवा रखा है आपको, पहले जो सेट करवाया था उसमें ये बताया था कि टॉक्ड अबाउट होता है, ठीक है। तो जो छः नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी छठा नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सात कहता है ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। ये आपका जो दिया गया है डायरेक्ट नरेशन, इसे आपको इनडायरेक्ट नरेशन यहाँ पे आपको चुनना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, मैंने आपको करवा रखा इस तरीके के क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आस्क्ड आएगा, आपका जो इनडायरेक्ट नरेशन होगा उसमें। अब दूसरी बात, यहाँ पे आप इसको ना बिल्कुल आसान तरीके से ऑप्शन को छाट कर भी आप कर सकते थे, ज़रा देखिए। तो यहाँ पे लिखा है फॉर मी, जो आपका क्वेश्चन है उसमें लिखा है फॉर मी, तो कभी भी टू मी वाला आंसर होगा नहीं ना होगा। तो इस तरीके से आप आराम से इसे छाट कर बिल्कुल ईजी तरीके से आप ए नंबर ऑप्शन लगा सकते थे। सातवां नंबर का पहला नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ, आस्क्ड मी इफ़, यहाँ पे यू था सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई हो गया, और बिल बदल गया वुड में, पोस्ट दैट लेटर दिस बदल गया डैट में, ठीक है, फॉर हीम, ठीक है, यहाँ पे मी जो था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया है।
तो सातवां का पहला नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है बी खालिस्तान डैट यू वुड सक्सीड। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको नरेशन में इस तरीके के बात बताया था इस तरीके की कि इधर आपका पास्ट में है, ठीक है, तो इधर भी आपका पास्ट में ही होगा, यानी आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नाइन नंबर क्वेश्चन कहता है सी इज प्लीज्ड, आपको पता है प्लीज्ड विथ समबडी, मैंने आपको प्रीपोजिशन वाली वीडियो में बिल्कुल यही क्वेश्चन करवाया था, मतलब आपको बताया था, तो नाइन नंबर का सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद चलते हैं दस नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर दस कहता है आर यू कमिंग विथ अस ही आस्क्ड मी। देखिएगा इस तरीके के जो नरेशन के क्वेश्चन आते हैं ना, मैंने पहले भी बता रखा कि बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं, और यहाँ भी आप आसान तरीके से आप बनाओगे। जैसे देखिए इसको बोला है कि इनडायरेक्ट नरेशन में आपको चुनना है, तो जब डायरेक्ट नरेशन में ही आस्क्ड मी आपको दिया हुआ है, तो जैसे ही दिया हुआ है तो ये आप चला जाएगा, जब इनडायरेक्ट में आप चुनोगे तो ऐसे भी आस्क में ही रहेगा, ऐसा तो होगा ना, आस्क में नहीं, प्रेजेंट में नहीं ना होगा, तो यहाँ पे आप इस तरीके से, यहाँ पे ये आपको गलत ऑप्शन ये सब नहीं हो सकते हैं। आपका जो 10 नंबर है ना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस को सही चुनना है, तो इसका आपका डी नंबर है ही विल नेवर टेल अ लाई। कभी आपने ऐसा सुना है स्पीक लाई से लाई, ऐसा नहीं होता है, ये आपका आपको बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि टेल अ लाई होता है। क्लियर, तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते थे। 11 का डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है हु इज द पर्सन खालिस्तान दिस पिक्चर। बिल्कुल यहाँ पे आप डी नंबर ऑप्शन के साथ जाइएगा, 12 का डी इन दिस पिक्चर। क्लियर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है द कैट इज ईटिंग, यहाँ पे देखिएगा द कैट इज ईटिंग द फिश, इसको आपको पैसिव वॉइस में बताना है, तो मैंने आपको वॉइस वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। यहाँ पे देखिए इज प्लस बी फोर लगा हुआ है, इसका मतलब इज बीइंग आएगा, बिल्कुल आएगा, और मैंने आपको बताया था कि कभी भी टेंस चेंज नहीं होता वॉइस में, तो ये सब बाज वाला तो नहीं होगा, ठीक है, और ये हेड वाला भी नहीं होगा, मतलब आप छाट कर भी ना बना सकते थे, तो इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इज बीइंग है लिखा हुआ, तो 13 का पहला नंबर ऑप्शन आपका सही है। क्लियर। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है एनी ऑफ थ्री मेन कैन डू इट, ये सब आइदर नहीं होता, आइदर दो के साथ दो के लिए होता है, और ये तो ये भी आइदर इसमें, तो ये भी दो के लिए, इसमें क्या यहाँ पे द लगा दिया तो गलत हो गया, ठीक है, तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलते हैं 15 नंबर में, देखिएगा कहता है श्याम आस्क्ड हर इफ़ शी वाज इल। अब देखिएगा इसमें क्या है ना कि इसमें आपको किसी किसी को, मतलब कोई कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको दो दो ऑप्शन सही लग रहे होंगे, ठीक है, जैसे सी नंबर ऑप्शन भी आपको लग रहा होगा सही और डी नंबर ऑप्शन भी आपको सही लग रहा होगा, ऐसा इसलिए लग रहा होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए सिर्फ, ठीक है, ऐसा आपको लग सकता है, ऐसा इसीलिए लग सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन है यू, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार जब चेंज होगा तो सब्जेक्ट यहाँ पे हर है, तो इसके अनुसार सी में चेंज हो जाएगा, तो ये सही होगा, सी वाज इल भी हो सकता है, हो सकता है ना। अब दूसरा में आप इसके भी कहोगे, ऐसा भी कह सकते हो ये डी नंबर ऑप्शन के लिए कि यहाँ पर सी है सर डायरेक्ट नरेशन में, तो थर्ड पर्सन में तो कोई चेंजिंग होता नहीं है, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में सी ही लिखा जाएगा, हो सकता है ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर होगा जो 15 नंबर क्वेश्चन के लिए वो आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन आपको बताया कि डायरेक्ट नरेशन को बताइए, तो जब आप डायरेक्ट नरेशन को बताओगे तो आप इस तरीके से बोलोगे ना, जैसे श्याम उससे कही थी क्या कहा था आर यू विल, क्या तुम बीमार हो, ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है और ये सेंटेंस थोड़ा सा इनडायरेक्ट को रेफर कर रहा है, इसीलिए हम सी नंबर को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, ठीक है, सी नंबर को ज़्यादा सूटेबल समझेंगे, यानी 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे बिल्कुल ईजी है, पहला नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, आई डोंट लाइक कॉफ़ी। इसमें तो आई नो ऐसा कुछ होता नहीं, आई विल नो भी नहीं होता, आई हैड नो भी नहीं होता, तो आपका जो सही आंसर होगा पहला नंबर ऑप्शन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ये तो आपको सही यहाँ पे आपका होगा विटामिन का, ये वाला होगा पहला नंबर, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, फिर से आप देखिए यहाँ पे यस्टरडे लग गया, जैसे ही लगा पास्ट में चला जाएगा और पास्ट का इंडेफिनिट में जाएगा यानी सिंपल पास्ट में, तो आपका डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, यस्टरडे आई वेंट टू बाई ब्रेड, क्लियर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, प्लीज़ गिव मी खाली स्थान केक डैट इज़ ऑन टेबल। अब देखिए यहाँ पे केक की बात कर रहा है जो टेबल पे रखा हुआ है, तो कोई पर्टिकुलर केक होगा ना, मतलब कोई ख़ास केक होगा, तो यहाँ पे जिसके बारे में उसको पहले से पता है, तो मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट को पहले से पता हो तो आप द आर्टिकल लगाइएगा, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी द आर्टिकल यहाँ पे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन का था यू खालिस्तान गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिल हो जाएगा, 20 नंबर का पहला नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, क्लियर। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है द मदर सैट इन अ कॉर्नर, यहाँ पे वाचिंग हर सन टेक हिज बेबी स्टेप, यानी 21 का बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। 22 नंबर में कहता है लर्निंग, यहाँ पे देखिए लर्निंग के बाद आपका हो जाएगा फ्रेंच इज नॉट ईजी, क्लियर, यानी 22 का बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, भाषा के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, हालांकि द फ्रेंच का मतलब होता है फ्रेंच के लोग, ठीक है, या फ्रेंच बोलने वाले लोग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में नहीं ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। तो जो 22 नंबर है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर में चलते हैं, 23 नंबर में कहता है कि सी खालिस्तान बी एवर 40, यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग वह 40 साल से ऊपर होगी, है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 23 का सही आंसर बी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होंगे, ठीक है, बिल, क्लियर। चलिए अब चलते हैं 24 नंबर, 24 नंबर में कहता है आरती मेड मी खालिस्तान माई शूज बिफोर आई वेंट इन टू हर हाउस। देखिए मैंने आपको, आपने बचपन से पढ़ा है कि ही मेड मी लाफ, ऐसा पढ़ा है ना, ही मेड मी लाफ, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे लाफ जो था यहाँ पे भीवन था ना, तो उसी रूल से आप बना दीजिए, बस यहाँ पे टेक ऑफ लगा दीजिए, यानी आपका सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 24 का सी, क्लियर। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है द टीचर खालिस्तान द लेसन स्टरडे, फिर से स्टरडे आ गया, मैंने आपको टेंस में इसको बहुत अच्छा से पढ़ाया था, तो फिर से जब ऐसा आ गया तो हम V2 की पास चले जाएंगे, यानी टाउट 25 का बी सही होगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में कहता ही खालिस्तान क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। अब देखिए यहाँ पे एवरी डे लगा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये आदत को बताता है, तो इसके लिए हम V1 या V5 के साथ जाते हैं, और ही के अनुसार V5 आएगा, यानी प्रैक्टिसेज हो जाएगा, ठीक है, 26 का ए नंबर ऑप्शन। 27 नंबर में इट मे रेन वी विल गेट वेट, तो आपका ये जो सही आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये वाला कैसे होगा ज़रा देखिए, इफ़ इट रेन्स वी विल गेट वेट, अगर बारिश होगी या फिर अगर बारिश होती है तो हम लोग भींग जाएंगे, ठीक है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका कम्बिनेशन वाला सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन लेट मी के बाद आपको पता है बिना टू का वर्ब आता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन लेट मी लिव, क्लियर। आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा इंग्लिश में लेट मी लव यू, सुना है ना, तो वहाँ पे V1 आता है लेट मी के बाद और बिना टू का, तो 28 का सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 29 का रीता खालिस्तान टू द रेडियो, यहाँ पे इज लिसनिंग हो जाएगा, ठीक है, यानी 29 का पहला नंबर ऑप्शन, ठीक है। 30 नंबर में देखिए द विंडो हैव बीन क्लीन्ड, अब यहाँ पे आपको पता है मैंने वॉइस में ही पढ़ाया था, यहाँ पे हैव बीन लग गया, इसका मतलब हैज बीन होगा एक्टिव वॉइस में, या फिर हैव बीन
हैव बिन क्यों लगा, हैज या हैव होगा तभी ना, हैड तो नहीं, हैड में तो नहीं होता ऐसा। तो ये सब ऑप्शन चले जाएंगे, नहीं होंगे। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यहाँ पे हैज प्लस भी थ्री लिखा हुआ है, तो हैज का पैसिव वॉइस हो जाएगा हैज बीन या हैव बीन, यहाँ पे विंडोज के लिए हैव बीन होगा। यानी 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर कहता है प्लीज़ बी क्वाइट आई खालिस्तान माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क हो जाएगा, बहुत ईजी है 31 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 32, ही इज गोइंग ऑन लीव, यहाँ पे हो जाएगा वह छुट्टी पर अगले सप्ताह जा रहा है, तो 32 का बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 33 में देखिएगा खालिस्तान यहाँ पे दे रखा है, उसके बाद लिखा है ही ड्राइव टू वर्क, तो बिल्कुल ईजी है यहाँ पे, तो डी नंबर ऑप्शन होगा डज, ये सब ऑप्शन आ ही नहीं सकते। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको ये क्वेश्चन बन जाता है। यानी 33 का डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, डज के साथ जाएगा। चलिए 34 नंबर यानी 34, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई एम गोइंग नाउ, बिल्कुल ईजी है, इसमें तो कुछ समझाने का बात ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34 के लिए। 35, हाँ इसमें समझाने की बात है, और मैंने आपको प्रीपोजिशन में जाकर देख सकते हैं, मैं पढ़ा रखा है, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 का पहला नंबर ऑप्शन आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, क्रॉस यहाँ पे होगा अक्रॉस, ठीक है। चलिए 36, ही हैज़ ब्रोकन हीज लेग सो ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल, ये तो आप ध्यान अगर थोड़ा सा भी देते तो सही बन जाता, उसने अपना पैर तोड़ लिया है या फिर उसका पैर टूट चुका है, इसलिए वह फुटबॉल अब नहीं खेलेगा, ठीक है, नहीं खेल सकता है, तो कैन के साथ जाइएगा, कैन नॉट के साथ, क्लियर। 36 का ए नंबर ऑप्शन। 37 नंबर कहता है एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, ये तो आपको पता होगा स्नेक में राइटर, वो जो स्नेक जो पानी पीने आता है उसके बारे में कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 38, राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमनिटी ऑफ मैन, सेम टू सेम लाइन आपके प्रोज से लिया गया है, दूसरा नंबर जो प्रोज है भारत इज माई होम उससे। अगला आपको पता होगा द सोल्जर एक पोएम है, बहुत अच्छा, रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, और इन्होंने अपने मुल्क के लिए अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, और बहुत ज़्यादा इनके पास जो है अपने देश के लिए प्यार करते हैं अपने देश को, उसके बारे में कविता लिखा है, तो इंग्लैंड की प्रशंसा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो 39 नंबर जो है 39 उसका पहला नंबर ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। 40, इंग्लिश लैंग्वेज इज, अब यहाँ पे कुछ लोग गलती इसलिए कर दिए हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, नया लैंग्वेज है संस्कृत से, तो यहाँ पे यंगर होगा ना, 40 का सी नंबर या 40 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 41 कहता है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इट्स नाउ इज फ्रॉम, ये तो आपको पता है, मैंने सेम टू सेम लाइन पढ़ा रखा है आपको, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, 41 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 42, मैकावेत एंड जूलियस सीजर्स, अगर आप हमारा गेस पेपर लिए होंगे तो उसमें ये चीज़ें मैंने दे रखा ऑब्जेक्टिव में, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। और मेरे गेस पेपर से सारे क्वेश्चन आए हैं, बस एक दो क्वेश्चन मिस कर गए हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा आपको यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 42 का सी नंबर ऑप्शन। 43, आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये भी मैंने अपने गेस पेपर में दे रखा था सारा का सारा ऑब्जेक्टिव, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, 43 डी के साथ ऑप्शन डी। 44, इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, अब 15th सेंचुरी से जो इंग्लिश यूज होता है मतलब 15th सेंचुरी के बाद वाला, तो ये आपका होगा मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि 15th सेंचुरी तक 1500 तक तो मिडिल इंग्लिश था, उसके बाद आ जाएगा मॉडर्न इंग्लिश, क्लियर। तो 44 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 45, वाल्टर डीला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ, तो आप जब वाल्टर डीला मेयर जो आप पढ़े होंगे इनकी जो आपका पोएम है उसमें बताया गया इंट्रोडक्शन में इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। चलिए जॉन्डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट, पहला लाइन मेरे गेस पेपर का, ठीक है, तो मेटाफिजिकल पोएट आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। 46,
खालिस्तान बर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, मैंने करवा रखा था ये भी, ये आप चला जाएगा 47 का बी नंबर ऑप्शन। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो थे ना वो पुराने विलेज में, पुराने गांव में ही संतुष्ट थे, ऐसा गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कहा है। 48 एंड द नाइटिंगल इज डम्ब, नाइटिंगल डम्ब हो जाता है, ये वो कहाँ से लिया गया, कौन से चैप्टर से लिया गया, तो आपको पता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया, ठीक है, W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई कविता है। चलिए 49 एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लीज दैट वी सेल, यहाँ पे ऑलवेज मार्च अहेड होगा, ठीक है, 49 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 50 व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज़ द प्राइम इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, ये एजुकेशन हो जाएगा, सेम टू सेम लाइन लिया गया है, भारत इज माई होम से, तो 50 का डी होगा, ठीक है, एजुकेशन आंसर होगा। चलिए 51 द वेस्ट लैंड, मैं आपको दे रखा था अपना ऑब्जेक्टिव गेस्ट पेपर में, वेस्ट लैंड लिखा है T.S. एलियट ने, बहुत अच्छी पोएम है और ये T.S. एलियट का मास्टर पीस पोएम है, 300 से ज़्यादा लाइन की ये पोएम है, ठीक है। चलिए तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 51 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए हम लोग का ना ये MA में पढ़ना था द वेस्ट लैंड पोएम। चलिए 52 द ग्रेट बॉबल शिफ्ट टूक प्लेस ड्यूरिंग, अब यहाँ पे मैंने आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बताया था, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, मिडिल इंग्लिश, ठीक है। चलिए 53 इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये तो आपका द सोल्जर से लिया गया है शायद, हाँ बिल्कुल द सोल्जर से ही लिया गया है। 53 का आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन द सोल्जर। 54 अ स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, इसको ना आप बना के दिखाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा सबसे ऊपर, ठीक है। चलिए 55 एंड एक्टिव हैंड मस्ट बी फ्रीज, ये तो सेम टू सेम लाइन लिया गया, ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, फ्रीज, ठीक है। चलिए बर्टेंड रसल वाज अवार्डेड नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, सही ये लिखा है स्टूडेंट, सही बनाया है, तो 56 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सावित्री अरविंदो घोष ने लिखी है और ये अरविंदो घोष का मास्टरपीस है ये सावित्री, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। चलिए तो आपको पता बताए ना 57 का ए नंबर ऑप्शन अरविंदो घोष। 58 आवर फोर फादर डिडंट इन्वेंट मशीनरी बिकाउज, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव, हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन लोगों को पता था कि हम लोगों को ये क्या कर देगा, गुलाम बना देगा, क्लियर, ए नंबर ऑप्शन। 59 डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ पीस, ये तो आपको पता है भारत इज माई होम लिखे हैं, ठीक है। चलिए 60 वाल्टर डीला मेयर वाज बॉर्न इन 1873, ये सही बनाया है, ठीक है, 60 का सी होगा। तो इस तरीके से सारा का सारा आप लोग मिला चुके, अगर आपको अभी भी एग्जाम नहीं हुआ है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गेस पेपर का लिंक दिया हुआ है, जाइए फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, 1 रुपये आपके नहीं लगेंगे, ठीक है, आज तक इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।